शेमुसी प्रथम भाग नवम कक्षा है संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं पाठ पाठ तृतीय गोदोहनम गाय का दोहन चतुर्व्यूहम से है, ये नाटक है। इसके बच्चों मैंने आपको प्रथम दृश्यम द्वितीय दृश्यम पढ़ा दिया था। चलिए आगे के दृश्यम को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं गाय का दूध एक जो व्यक्ति वो लगा रहा है ना, तो गाय का दोहन हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से गाय से हमको क्या प्राप्त होता है, दूध। और इसी से संबंधित हम जो पढ़ रहे हैं वह है गोदोहन, मैंने गाय का दोहन करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा प्रथम अद्वितीय दृश्यम मैंने आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मल्लिका है वो नाटक की नायिका है और जो चंदन है वो नाटक का नायक है। किस प्रकार से वो लोग सेवा गायकी करते हैं और किस प्रकार से उनके आपसे संवाद होते हैं, आज हम तृतीय दृश्यम के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे और उसके आगे की जो नाटक का दृश्य है उसको समझेंगे। चंदना प्रसन्नो भूत्वा अंगुली अंगुलिषु गणयन अहो सेटक त्रिशत कानी पायासिम अनेन तु बहुधना लप्स्य नंदिनीम दृष्टवा। हो नंदिनी तप कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि प्रसन्न साधयनो बहु सेवां करोति। चंदन क्या कहता है, चंदना चिंत्यति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति इदानीं किं कारवाणि भवतु नाम मासन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि। एवं क्रमेण सप्ताहदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यगच्छति। मल्लिका प्रवेश्य स्वामिनं प्रत्यागता अहम् आस्वाद प्रसादम चंदन मोदकानी खादति वदति च। गणयन यानी गिनते हुए, पायस्य यानी दूध, लप्यस्य यानी प्राप्त करूंगा, भवतु नाम अच्छा अस्तु, मासंते यानी महीने के अंत में, मासस्य अंते संपूर्णता यानी सारे पूर्ण रूपे, प्रत्यागच्छति यानी लौट आती है, प्रत्यगमनम करोति प्रत्यागता यानी लौट आई, अप्रत्याता आस्वादय यानी खाओ खादय। हिंदी अनुवाद समझिए, जो चंदन होता है वो प्रसन्न होकर उंगलियों पर गिनते हुए कहता है आहा 300 लीटर दूध, इससे तो बहुत धन प्राप्त करूंगा। नंदिनी को देख, अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न हुआ वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है, यदि प्रतिदिन दोहनम करूं मैं तह दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध गाय का जो दूध है सुरक्षित नहीं रहेगा, अब मैं क्या करूं। अच्छा महीने के अंत में ही सारे दूध का मैं इकट्ठा दोहन करूंगा। इस प्रकार 7 दिन भी व्यतीत हो गए। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका जैसी प्रवेश करती, स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद खाओ। चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, क्या बोलता है उससे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि मल्लिका और चंदन दोनों मिलकर के गाय की सेवा करते हैं। और क्यों सेवा करते हैं, ताकि उससे गाय से जो दूध प्राप्त होता है उसको वो बेचते हैं और इस प्रकार उनका परिवार चलता है। अब यहाँ पर दोनों सेवा करते हुए अभी आपको दिख रहे हैं, आगे नाटक में क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। चंदना मल्लिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपा प्रियं निवेदयामि। मल्लिका साचार्यम एव धर्म यात्रा तिरिक्तम प्रियतरम किम। चंदना ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासंते भविष्यति तत्र तिषत शेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। मल्लिका किंतु एवान एतावन मात्रं दुग्धम कुतः प्राप्यस्य याम। चंदन विचार्य मल्लिके प्रति दिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयाम चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति अतएव दुग्ध दोहनं न क्रियते उत्सववदने एवं एव समग्रं दुग्धं क्या दुग्धं भोक्ष्यावः। शब्दार्थ समझिए, सम्यक अच्छी तरह उचित प्रकारेण एवं अच्छा
ग्राम प्रमुखस्य यानी गांव के प्रधान, ग्राम प्रधानस्य, अस्माभिः हमारे द्वारा, हमें, वयम्। दातव्यम यानी देने योग्य, देना या दान योग्यम। एतावन मात्रम यानी इतना सारा, अधिका अधिक मात्रायाम बहुत ज्यादा मात्रा में, कुतः कहाँ से, तस्मात स्थानात, विचारय यानी सोचो, चिंतन करो, चिंतन करो, स्थापयाम रखेंगे, एकत्र कुर्मा एकत्र करके, धोक्ष्वायावः दोहेंगे, दोहनम करिष्यावः। यहाँ पर अब इसका थोड़ा हिंदी अनुवाद समझते हैं। जो चंदन है वह मल्लिका से क्या कहता है कि मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह सफल रही, तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ, प्रियम निवेदयामी, अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका बड़ी हरामी से साहस्यार्य महाराज, अच्छा धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा है, धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त और अच्छा ऐसा क्या है। चंदन क्या कहता है, गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में महोत्सव होगा, महोत्सव मासांते भविष्यति, उसमें 300 लीटर दूध हमें देना है, कितने लीटर, त्रिशत सेटक मितम दुग्धम, यानी 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका क्या कहती है, किंतु इतना सारा दूध कहाँ से प्राप्त करेंगे। चंदन क्या कहता है, सोचो मल्लिका, विचारे मल्लिके, प्रतिदिनम दोहकर दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित है। यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा दूध, मान लो गाय का दूहते हैं, और उसको यदि हम इकट्ठा करेंगे तो जो रोज का दूध है तो वो बहुत दिन तक तो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं, उत्सव के दिन ही सारा दूध क्या कर लेंगे, दोह लेंगे। ऐसा चंदन किससे कह रहा है, मल्लिका से कह रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मल्लिका, स्वामिनम त्वं चतुरतमः अत्युत्तमः विचार, अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदनंद्या सेवाम एव करिष्यामः, अनेन अधिकाधिकं दुग्धं मासंते प्राप्यस्यावः। उन्होंने क्या कहा, नंदिन्या द्वा वेव धेनु सेवायां निरतौ भवतः, अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुणादिकं च भोज्यतः, कदाचित् विषाणयोः तैलं लेप्यतः, तिलकं धारयतः, रात्रौ नीराजने नापि तोष्यतः। चंदना मल्लिके, आगच्छ कुंभकारं प्रति चलाव, दुग्धार्थं पात्र प्रबंधो अपि करणीय, द्वा वेव निर्गतौ। शब्दार्थ समझिए, विहाय माने होता है छोड़कर यानी त्यक्त्वा, एव यानी ही, अनेन इससे, एतेन, फिर प्राप्यस्यावः पाएंगे, द्वावेव यानी दोनों ही, निरतौ दोनों जुटे हुए, संलग्नौ विषाणयो दोनों सींगों पर, श्रृंगयो नीराज ने तापे आरती से भी, आ रात्रि केन अपि तोष्यतः, संतुष्ट करते हैं, संतुष्टम कुरुतः। अनुवाद समझिए, जो मल्लिका है वो कहती, स्वामी तुम तो सबसे चतुर हो, बहुत ही अच्छा विचार है, अब दूध दोहना छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में पाएंगे, ऐसा मल्लिका बोलती है। दोनों ही गाय की सेवा में जुट जाते हैं, इस क्रम में घास और गुड़ आदि गाय को खिलाते हैं, और कभी सींगों में तेल का लेप करते हैं और कभी तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी उसे संतुष्ट करते हैं। चंदन क्या कहता है मल्लिका से, मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं, क्यों जाते हैं, दूध के लिए बर्तन की क्या करनी है, व्यवस्था करनी है, इस प्रकार
दोनों ही वहां से निकल। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम पढ़ते हैं चतुर्थ दृश्यम को। मैंने आपको तृतीय पढ़ा, इसके बाद चतुर्थ दृश्यम। कुंभकार घट रचनायाम लीन गायति, वो अपने घड़े को बनाने में एकदम क्या है, लीन है। ज्ञात्वापि जीव को हेतु रचयामि घटनान घटना घटा नहम, यानी जीवनम भंगुरम सर्व यथैष मृतिका घटा। ज्ञात्वापि जीव का हेतु रचयामि घटा नहम, जीवनम भंगुर सर्व यथैष मृतिका घटा। चंदना नमस्कार करोमि तात पंचदश घटाम घटान इच्छामि, किम दास्यसि देवेश कथम न विक्रयाणा एवते घ्राण घटान पश्मो शतोत्तर रूपकाणी च देहि। अन्वय समझिए, यथा एष मृतिका घटः तथा सर्वजीनं भंगुं ज्ञात्वा अपि अहम् जीवको हेतो घटान रचयामि, ऐसा बोलता है। शब्दार्थ लीन यानी लगा हुआ संलग्न, यथैषः जैसे वह, तथा यथा धनेशः भंगुरम टूटकर नष्ट होने वाला, भंजन शीजम यानी ज्ञात्वा, ज्ञात्वा ने जानकर, अवगम्य जीविका हेतु जीविका चलाने के लिए, धनार्जनम निमित्तम विक्रणाय बेचने के लिए, विक्रेतु ग्रहण लो स्वीकरो, पंचशतोत्तर रूपकाणि 500 रुपये, पंचशत रूपकाणि देही तो यच। अनुवाद समझिए, कुम्हार घड़ा बनाने में लगा हुआ गाता है, क्या गाता है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा टूट कर नष्ट होने वाला है उसी प्रकार सभी प्राणी भी मरणशील हैं, यह जानकर भी मैं जीविका चलाने धन कमाने के लिए घड़े बनाता हूं। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार सभी प्राणी क्या हैं, ये मिट्टी का घड़ा टूट कर क्या हो जाएगा, नष्ट, मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल जाएगा, उसी प्रकार सब प्राणी भी मरणशील है। मैं जानता हूं लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, धन चलाने अपनी जीविका चलाने के लिए और धन कमाने के लिए घड़े बनाता हूँ। चंदन ताज सम्मान सूचक सब नमस्कार करता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ, क्या दोगे। देवेश क्यों नहीं, ये बेचने के लिए ही तो है, घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। ऐसा देवेश जो कुम्हार है वह चंदन से बोलता है। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुं शक्यते देवेश, क्षम्यतां पुत्र मूल्यम विना तु एकमपि घटं न दास्यामि। मल्लिका स्वाभूषणं दातुं इच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकतः हि गृहात् एतत् आभूषणं। देवेश पुत्र के नाहं पापकर्म कर्म करोमि कथमपि नेच्छामि त्वा आभूषणं विहीनां कर्तुं नय तु यथाभिलाषतां घटान। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु उभौ धन्योसिता। शब्दार्थ साधु माने अच्छा उत्तम, विक्रिय यानी बेचकर, विक्रम कृत्वा, दातुं शक्यते दे सकते हैं, दानम कर्तुं शक्नोमि अधुनैव अभी इदानीम ए पुत्री के पुत्री, आभूषण विहीनां आभूषण से रहित, आभूषण रहिता, नयतु ले जाओ स्वीकार करोति, यथा भी लाशितान जितने चाहो यानी जितनी आपकी इच्छा हो, यावत इच्छति। अनुवाद समझिए, चंदन अच्छा परंतु मूल्य तो दूध बेच कर ही दे सकते हैं। देवेश क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है, तार यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो यह आभूषण ले लो। देवेश पुत्री मैं पाप का काम नहीं करता, पुत्र के नाम पाप कर्म करूंगी, तुमको आभूषण से रहित रह करना नहीं चाहता, कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनम करतु, नहीं चाहता मैं कि आपके पास आभूषण ना हो, ऐसा नहीं चाहता, जितने चाहती हो उतने घड़े ले जाओ और दुग्धम विक्रिय घट मूल्यां ददातु, और दूध को बेचकर ही घड़ों का तुम मूल्य दे देना। ऐसा जो कुम्हार है, जो देवेश है, वह मल्लिका से कहता, दोनों क्या कहते, धन्योसिता धन्योसिता, तुम धन्य हो तात, तुम धन्य हो,
तात तुम धन्य। इस प्रकार कुम्हार से